अब एक बार सामने देख लो, सामने क्या एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। इस ब्लॉग में ना मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँ, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। मतलब इतना मेरे को गुस्सा आ रहा था, इरिटेशन हो रही थी, मन दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गई थी मैं। सो यहाँ पे ना हमारे यहाँ माड़ो छव आता है। गांव में तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से छवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ विधि किया जाता है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है माड़ो छवाने के लिए, बांस सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो जितना हो सके सिर्फ विधि के हिसाब से सारी चीज़ें की जाती है। और पता है आपको, जैसे जैसे समय बीतता है ना और जैसे जैसे पास आता है ना, मैं अपनी शादी का अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना मेरे पापा को देख के और मेरे जो भाई है उनको देख के, जब वो मेरे सामने किसी भी रस्म को करने आ रहे थे ना, तो ऑटोमेटिक जो आंसू है ना वो रुकते ही नहीं है। वही सेम चीज़ मैं आरती को देख रही थी और फील कर पा रही थी। पता है वो ना अपना फेस बार बार ढक रही थी, क्योंकि ना नहीं हो पाता है, आंसू जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। तो यहाँ पर जो माड़ो छवाने का रस्म है वो पंडित जी करा रहे हैं। एंड गाइज, लास्ट वीडियो में मेरे से गलती से एक गाना ऐसे ही चला गया था, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट जो बिहार से है वो तो ये चीज़ समझेंगे ही कि बिहार में इसी तरीके से गीत गाया जाता है। जब सारी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं तो भाई कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है, सब अपनी मन की पूरी करती हैं, गाली दे देखे। और मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा वल्गर गाली मैंने गुजरों के यहाँ पे सुना है, जो जाट गुजर होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना मैंने देखा है जो हमारे सेक्टर में शादियाँ होती हैं तो वो तो इससे भी हाई लेवल का देते हैं। तो यहाँ पे जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, वो लोग मिलके जो माड़ो होता है वो छवाते हैं, पांच आदमी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है और यहाँ पे सभी लोग मिलके कर रहे हैं। मैं तो आने वाले कल का वो कर रही हूँ कि मेरी जब ननद की शादी आएगी ना पास, तो देखना, मतलब उस बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट होगा ये सब हम सब के लिए। पांच जगह बांध दिया, ओके।
खराब कपड़े क्यों पहने आप कैसे चले गए सुनो तो सही वो कहने मन नहीं कर रहा तो वही जाके फेंकेंगे का मन नहीं पता चलते हैं उसे का केहूँ हो जाएगी बट खाली वीडियो सिर पे भी सिर पे भी तो यहाँ पे चल रहा था मस्ती मजाक जो कि ये भी एक हमारे रीति रिवाज में ही है बट मैं एकदम दूर साइड में खड़ी थी क्योंकि मेरे को फीवर आ रहा था तो इस टाइम ये आटा वगैरह सब कुछ पड़ गया तो नहाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा फीवर बढ़ जाता है रात को नहाने से तो इसलिए मैं तो बिल्कुल साइड में खड़ी थी और पहले ही सबको बोल दिया था मैंने कि प्लीज़ मेरे साथ ये वाला मस्ती मजाक नहीं करिएगा। मन ठीक रहता है तो ये सब खेलने में भी मज़ा आता है लेकिन जब मन ठीक नहीं रहता है ना तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। सभी लोगों ने इस बात को माना था और किसी ने भी ये चीज़ नहीं की थी ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं करना है करना है। तो मैं अपना चुपचाप साइड में खड़ी थी और यहाँ इन लोगों की मस्ती देखो आप लोग। बाकी बात चली नहीं बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर अच्छा मम्मी अपने लगा ली अब क्या कौन सा बनी है अब एक बार सामने देख लो सामने क्या दोनों सामने सामने
मैं तो और दौड़ा दौड़ा के खेलती, लेकिन क्या करूँ, क्या हो गया ऐसे ही बस। यहाँ पे ना आरती ने एकदम से मुझे इशारा करके और अपने पास बुला के बैठाया और उसने मुझसे कुछ कहा। वो शायद मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ, बट उसने जो कहा ना वो मतलब एकदम दिल को छू गया। और ये सच होता है, कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता और कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। उसने मुझसे ये बोला कि दीदी अगर आज सुमित जी जो आए होते हैं ना तो यहाँ पे ये जो आटा खेलना ये सारी चीज़ें हो रही होती ना वो रहते तो और चार चांद लग जाता यहाँ पर, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ों में बहुत खुशी खुशी इन्वॉल्व होते हैं और मतलब बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं। जैसे आदमी लोग होते हैं ना तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होते ऐसी चीज़ों में। तो आरती ने जब ये मुझसे बोला ना तो मुझे मेरे भी आँखों में से आंसू आ गया कि ये तो सच है कि कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता है और उनकी कमी यहाँ पे सबको खल रही है। बट थोड़ा सा ऑफिस की वजह से वो नहीं आ पाए, बट कोशिश करूँगी कि शादी वाले दिन जाए। बाकी मैं उनको प्रेशर नहीं कर सकती हूँ, उनके ऊपर सारी चीज़ें उनकी मर्जी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम किसी को अपने प्रेशर से नहीं करा सकते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता तो शायद वो नहीं भेजते, बट उन्होंने मुझे भेजा। और आरती की ये चीज़ सच में दिल को छू गई, और क्योंकि सच में वो जब कहीं रहते हैं ना तो एक अलग ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अगेन यहाँ पे भी मैं आरती को वही बोल रही थी कि आरती मैं कोशिश करूँगी कि शादी वाले दिन लेके आऊँ, तो वो बोल रही थी कि हाँ दीदी कोशिश कर। और घर पे मेरा अनुमत क्या चाहती हो, तुम्हारा ही सारा फंक्शन करो, थोड़ा सा वेक केक भी नहीं काटती अपने पति के साथ। मैं बोल रही हूं कि यहां पे हम लोग पार्टी करेंगे, लेकिन आप अकेले पार्टी करो। मैं अपने पति को छोड़ के अकेले, बर्थडे थोड़ी है कि चलो काट लेते। वो इस टाइम वहां से चलेंगे तो 3 घंटे में आएंगे बेचारे। मतलब इसको आरती को इतना वो था ना, ये जल्दी जल्दी अपना रेडी हो रही थी कि एक फ़ोटो तो क्लिक करा ही लें दीदी के साथ, क्योंकि मुझे घर निकलना था जल्दी में। वहाँ पे मेरे ननद और मेरे भाई बहन सभी लोग आए हुए थे, उन्होंने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो वो लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे। यहाँ पर सारे रस्म तो हो गए थे, बस हल्दी का नॉर्मल जो इन्जॉयमेंट वाला फंक्शन है वो था। तो मैंने सोचा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना धनवीर को भी बहुत ही ज़्यादा धनवीर का रोना शुरू हो गया था, तो इसीलिए मुझे घर जल्दी जाना ही जाना था। रो मत, मैं ऊपर गई थी, देख लेती हूँ। अब बिना चप्पल लिए जाती नहीं, नहीं जूता मेरा जूता। मम्मी कह रही चलो ना आप भी, मेरा घर तो ये है, तो मेरा घर तो ये है, चलो ना उचित होगी। पीछे खड़े हैं इधर जाने का रास्ता, वो खालो से ही जाता है ना, नीचे आराम से चल जाएंगे। ये स्टैंड के बस इधर ही खड़े हैं, वो मैं उनसे इतना बात कर रही थी, अब उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कह रही है मुझसे चलो ना आप भी। अब बाबू कहाँ है? बाबू भी जाएगा तो नहीं जाएगा तो नहीं वो कर दो ना इसको बस ले जाएगा। बाबू का तो पता ही नहीं, वो गाड़ी में ठीक तो नहीं है ना। मम्मी धानू कहाँ है? सही में नहीं दिख रहा है मेरे को तो। कितना उधर वो खेल रहा है, देखो मिल गया ना, दोनों में मैचिंग लग रही है। हाँ दोनों में मैचिंग है। मैं भी मैच में आ जाऊंगी थोड़ा। कहाँ कैब आया? कहाँ अभी बारी बारी है, बड़े बड़े मिल रहे हैं। कैब तो नहीं आया? नहीं इधर आओ बेटा। हाँ साथी पप्पू इधर सही बोले, ये कर रहे हैं जगह पूरा पेट बंद कर दिया। ये रहना बाबू दिख तो रहा है और अच्छा। हाँ दिख गया। नानू बुलाया उसको, नानू आ रही हूँ, खुश रहो बाबू, इधर आओ। उसको खाने में बिजी है। दादी जा रही है बेटा, कैबो तो यही आता है, ये रहा यहाँ खड़ा है। बुला लिया आपने पापा? नहीं ठीक बोल दिया, ठीक है बंद कर दो नितेश, अब जाओ तुम अपना काम, बाय।
दही चलोगे नोएडा? हट जा हट जा, हट जा, चोट लग जाएगी। बाय बाय। भावना ने इतनी जल्दी जल्दी मेकअप किया है भावना, फोटो तो ली कि नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ कल आना है तुमको, परसों आना है ना, हम साथ ही आएंगे। ठीक है, धनिया भी ठीक नहीं हुआ? कल एक बार ले जाके इसको, हाँ कल पक्का दिखा दूंगी धनवी को मैं डॉक्टर से। गाइज, मेरे घर से नोएडा का एक डेढ़ घंटे एक घंटे 50 मिनट का रास्ता है। उतनी देर मेरी धनवी कंटिन्यू दांत दर्द से रोई थी, समझ ही नहीं आ रहा था अचानक से धनवी को क्या हो गया। वहाँ पे बिल्कुल ठीक थी, थोड़ी देर पहले से उसने रोना स्टार्ट किया। फिर मैंने रास्ते से मेडिसिन भी लिया धनवी के लिए, लेकिन 3 बार मेडिसिन दिया, कुछ भी धनवी को असर नहीं हुआ और रास्ते भर रोती हुई आई है। इतनी दया आ रही थी, साथ में गुस्सा भी आ रहा था, मन भी ख़राब। मैं सोच रही थी कि काश मैं दवाई लेके आई होती, अपने ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो तो अच्छा है टाइम से निकल गए, कि थोड़ा सा ये हुआ कि जल्दी घर पहुंच गए, वरना जिस हिसाब से धनवी रो रही थी ना, जब घर पे आए तो घर पे आके धनवी का नज़र उतारा और फिर वही मेडिसिन दोबारा दी, तो उससे धनवी को बिल्कुल आराम मिल गया। लेकिन वही रास्ते में जब मैं दे रही थी तो बिल्कुल भी धनवी को आराम नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टाइम पर मिल जाए। बाय। Oh, oh, oh.